गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से है। पद्य खंड में हमारी कविता नंबर 8 है, लक्ष्मण मूर्छा और रामलीला। इसका जो पहला भाग था कवितावली, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका ख भाग है। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास और मुख्य विषय है कविता में रामचरितमानस कि लंका कांड से लिया गया है। ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है, ये पाठ तुलसीदास जी ने इनके द्वारा रचित, आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की थी और उन्होंने इसको अलग अलग कांडों में विभक्त किया है, जिसमें से ये लिया गया है लंका कांड से और जो कवितावली है वो ली है उत्तरकांड से। लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से इसमें मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा अवस्था हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं उसके लिए भद्र राक्षस समझकर हनुमान पर बाण चला देते हैं, उसे घायल कर देते हैं। रामचंद्र विलाप पंख के बिना पक्षी मणि के बिना सांप। अयोध्या माता सुमित्रा रावण कुंभकर्ण और वैद्य जी। तो इस कविता में तुलसीदास जी ने पद्यांशों के आधार पर बता रही, पहले पद्यांश में कवि बताते हैं कि जो जिस समय रावण सीता का हरण कर लंका ले गया था और उनको वहां से लेकर आने के लिए जो श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से वो मूर्छित हो जाते हैं और उसको मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम विलाप करने लगते हैं। उनको अत्यंत दुख होता है, उनकी जो पूरी सेना यानी वानर सेना थी और जो बाकी थे वो बहुत दुखी होते हैं और सभी विलाप करने लग जाते हैं। तो इस लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर राम विलाप करते हुए अलग अलग प्रकार के जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले राम श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे मेरे भाई लक्ष्मण, तुम पूरे राज्य की जो ठाट बाट थे वो त्याग कर तुम मेरे साथ जंगल में वनवास काटने के लिए आए थे। जिस समय हमने अपने राज्य को छोड़ा था तो वहां से जो माता सुमित्रा है उन्होंने तुम्हें किसी सहारे भेजा कि भाई मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, लेकिन अब जब तुम मूर्छित हो गए हो तो वापस अयोध्या में जाकर मैं तुम उन सब लोगों को क्या कहूंगा। श्री राम ये विलाप करते हुए बातें कहते हैं और कहते हैं कि अयोध्या वासी है जो वो क्या सोचेंगे कि भी एक स्त्री के लिए अपने भाई के प्राणों को त्याग दिया। तो अलग अलग प्रकार से श्री राम अपने भाव को प्रकट करते हैं और हनुमान जी जब वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य जी बताते हैं कि इनकी जो दवा है यानी इनके लिए जो जड़ी बूटी है वो संजीवनी जड़ी बूटी है और जिस पर्वत पर वो है उससे वहां पर से लेकर आना होगा। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे होते हैं तो भरत ने सोचा कि ये कोई राक्षस है क्योंकि उनका आकार काफी बड़ा था, उन्होंने पूरे पहाड़ को हाथ में उठाया हुआ था। तो भरत ने बाण चलाकर हनुमान को घायल कर दिया था। तो जब उनको पता चलता है कि ये हनुमान है और श्री राम का दूत है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, तो उन्होंने भरत ने इनका इलाज करवाया और अपने बाण पर बिठाकर यानी जो बाण चलाया जिस पर हनुमान को बिठाकर श्री राम के पास भेज दिया था। श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम मेरे लिए उसी समान हो जैसे बिना पंखों के पक्षी, जैसे बिना पंखों के पक्षी का कोई आधार नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं भी निराधार हूँ। जिस प्रकार सांप बिना मणि के निराधार होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। फिर श्री राम कहते हैं कि अयोध्यावासी, जब अयोध्यावासियों को पता चलेगा कि भाई सीता को वापस लाने के लिए यानी सीता को रावण के चुंगल से बचाने के लिए वहां
वहां से आजाद करवाने के लिए श्री राम ने अपने भाई का बलिदान कर दिया तो उस पर कलंक लग जाएगा, श्री राम पर कलंक लग जाएगा और उनको भ्राता घातक बताया जाएगा, भ्राता घाती को बताया जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षण में वहां पर जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और जो श्री राम हैं उनको बहुत वो बहुत खुश होते हैं। वहां उनकी जो वानर सेना थी और वहां पर जो दूसरे उनकी जो वानरों की जो सेना थी वो हनुमान को देखकर बहुत खुश होते हैं। वैद्य जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज करते हैं और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। इस घटना का जब रावण को पता चलता है तो रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है, रावण को बहुत गुस्सा आता है और वह जो रावण है वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण जो कि पिछले 6 महीने से सोया हुआ था वो अत्यंत भयानक रूप धारण कर जाग जाता है और रावण उसको सारी बात बताता है। कुंभकर्ण अपने भाई के लिए राम से लड़ने को तैयार हो जाता है। रावण ने उसके समक्ष अपनी जो संपूर्ण कथा थी वो बखान की, साथ ही हनुमान के बारे में भी बताया कि वो रण कौशल में उसने किस प्रकार अनेक असुरों का संहार किया है, अनेक असुरों को मृत्यु के घाटे उतारा है। तो ये थी हमारी कविता पाठ नंबर 8 लक्ष्मण मूर्छा और रामलीला।